नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी भदोई की, जहां भदोई में बीएलयू की लापरवाही से मतदान ना करने वाले ग्रामीणों में रोष जागा। आगे बात होगी महाराष्ट्र की, जहां माहूर तालुका में आग लगने से मचा तांडव, और बताएंगे कैसे सीहोर में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने हिंदू मुस्लिम की आबादी को लेकर किया बड़ा बयान। तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर भदोई से, जो जिला प्रशासन के साथ साथ भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए भरसक कोशिश की। जीतो और मेहनत से उन परदेशियों को भी मतदान के लिए बुलावा भेज दिया। अब जब परदेशियों की फौज मतदान के लिए पहुंची तो पता चला कि बहुतों का नाम वोटर लिस्ट से गायब है या फिर डिलीट कर दिया गया। दरअसल इस बार स्वीप कार्यक्रम के तहत बीएलओ को लगाकर उन मतदाताओं को भी वोटिंग के लिए बुलाया गया जो लोग दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, सूरत, बेंगलुरु जैसे शहरों में रोजी रोजगार के लिए रहते हैं। प्रशासन की अपील पर बहुत सारे मतदाता घर आए। 25 मई की प्रथम बेला में जब वो मतदान के लिए पहुंचे तो पता चला कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। विधानसभा ज्ञानपुर के बेराजपुर मतदान केंद्र की बूथ संख्या 256 और 257 पर इस तरीके के आधा दर्जन से ज्यादा मतदाता नजर आए जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं था। वोटिंग लिस्ट से नाम गायब होने पर यह समस्या सिर्फ बेराजपुर की नहीं बल्कि कोमेश्वर, हर जगह कुछ ना कुछ लोगों के नाम कटे हुए मिले। वहीं अब जिला प्रशासन से लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग आक्रोशित लोगों ने की है। मान मिश्रा, और मैं यहाँ वोट देने के लिए आया तो मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, और मैं इसी वोट देने के लिए मुंबई से फ्लाइट से आया हूँ, और बीएलओ के लापरवाही से मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। ग्राम बिराजपुर के रहवासी हैं, अब येलो के गलती से मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। आज विरासपुर का निवासी हूँ। हमारा वोटर लिस्ट में नाम रहते हुए बिल्लो सर ने गलत करके मुझे बहिष्कार कर दिया। मुझे वोट देना चाहे कि मैं दिल्ली से चल के आया हूँ, यहाँ से नहीं, दिल्ली से चल के आया हूँ वोट देने के लिए, और कोई कार्य नहीं था, मैं सिर्फ वोट देने आया हूँ। बिल्लो को उसकी इसकी सजा देनी चाहिए। आशीष तिवारी, ग्राम सभा बिराजपुर। बीएलओ की गलती के द्वारा हमारा वोटर लिस्ट में नाम भी है, लेकिन आज मैं वोट देने गया तो वहाँ से बोले कि आपका डिलेटेड हो गया है। तो हम ये मांग करते हैं कि भाई बीएलओ को हटाया जाए, क्योंकि ये कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। मैं बंबई से चलकर आया खाली वोट देने के लिए, लेकिन यहाँ आया तो मेरा नाम डिलेटेड है। तो हम ये मांग करते हैं प्रशासन से कि इनको हटाया जाए। कुमार पांडे, बिराजपुर। बीएलओ मतलब नाम काट दी, यहाँ वोट नहीं दे पावा, हटाई दी है वहाँ से, वोट नहीं, मतलब हमारा वोट नहीं आया है, वोट आना चाहिए हम लोगों का, वोट देना है येलो को, यहाँ से हटाना है, वोट में लापरवाही है। भदोई से सी न्यूज संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के माहूर तालुका से है, जहां अति दुर्गम भाग में कल दिन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लक्ष्मण भंडगे इनके घर में आग लग गई और घर जलकर खाक हो गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। इस खबर के बाद पुलिस स्टेशन से पुलिस निरीक्षक शिव प्रकाश मुठे वहां पहुंचे और पंचायत के मुख्याधिकारी डॉक्टर राजेंद्र राठौर इनको लेकर अग्निशमन की टीम वहां पहुंची, लेकिन तब तक घर जल चुका था। बताया जा रहा है कि इस पूरे अग्निकांड में 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें नगर पंचायत के कर्मचारी, गोपन वार्ड पुलिस पवन राउत, गणेश जाधव समेत कई लोग वहां पर मौजूद रहे। महाराष्ट्र से सीनियर संवाददाता गणेश की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र के चंद्रसेन इंटर कॉलेज के निकट सिरसवा गोड में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ओमपाल सिंह द्वारा नकली तेल की फैक्ट्री को शनिवार की देर शाम सील कर दिया गया। रविंद्र ब्रांड के सेल्स मैनेजर एवं अधिकारी इस नकली तेल की फैक्ट्री पर लगातार कई दिनों से निगाह रखे हुए थे। मैनेजर और अन्य अधिकारियों ने बताया कि हमारे ब्रांड का नाम लेकर नकली तेल का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में हमारे ब्रांड का नाम खराब हो रहा है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। इसकी सूचना रविंद्र तेल के अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित थाने को दी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए फैक्ट्री पर पहुंचकर देखा तो फैक्ट्री के दोनों तरफ के गेटों पर ताले लगे हुए थे। फोन द्वारा फैक्ट्री मालिक को सूचित किया गया और फैक्ट्री पर आने के लिए समय दिया, लेकिन अनेकों बार फोन करने पर फैक्ट्री मालिक या फैक्ट्री का कोई भी कर्मचारी वहाँ नहीं पहुँचा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजू अग्रवाल है। कहाँ से हैं आप? हम हापुड़ से हैं।
क्या मामला था यहाँ? मामला यह है, मेरा नाम राजू अग्रवाल है, मैं रविंद्र राव चीनी मिल हापुड़ से हूँ और ये हमारे सेल्समैन है योगेंद्र सिंह जी, ये यहीं मुरादाबाद से हैं। मामला ये चल रहा है कि पिछले कुछ दिनों से रविंद्र डुप्लीकेट की शिकायत आ रही बाजार से। अच्छा, तो काफ़ी तफ्तीश करने के बाद में हम लोग दो दिन से यहाँ पर पड़े हुए हैं और प्रशासन की थोड़ी सी मदद मिली हमें केवल रात में कि यहाँ कोई आदमी बस बैठ जाए, माल चोरी ना हो या कुछ ना हो। मालिक है इसका विशाल अरोड़ा, बाप का नाम कमलेश अरोड़ा, उसको कई बार सूचित कर चुके हैं कि मौके पर आए, फैक्ट्री खोले, और इसमें हमें पूरा पूरा शक नहीं, यकीन है कि ये बंदा हमारे नाम का नकली तेल बना के बाजार में बेच रहा है, जिससे लोगों को बीमार हो रहे हैं लोग, उनको शिकायत आ रही है बहुत ज्यादा। कोई अधिकारी यहाँ पर आए? अधिकारी हमारे यहाँ पर कोई नहीं आए, यहाँ पर सिर्फ ओमपाल जी आए थे जो हमारे कहने से फैक्ट्री को फिलहाल सील कर गए हैं। ओमपाल जी ने हमें सहयोग किया है। फैक्ट्री के अंदर किसी प्रकार की जांच की उन्होंने? फैक्ट्री के अंदर किसी प्रकार की जांच नहीं है क्योंकि हमारे पास इसकी चाबी नहीं थी और फिलहाल फैक्ट्री का 3 ताले आगे फ्रंट के गेट पर है और 2 ताले पीछे बैक साइड में है। इन 5 तालों बस ओमपाल जी अपनी सील लगा चुके हैं खाद्य विभाग की और उनका यह कहना है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करी जाएगी और ये ताला आप लोगों के सामने ही खुलेगा। आप मौके पर आए और ताला खुलवा करके ये चेक करें कि इस फैक्ट्री में के रविंद्रा का नकली माल बनाया जा रहा है नहीं बनाया जा रहा है। मालिक को सूचित कर दिया गया है और एसओ साहब को भी सूचित कर दिया गया है। अगली कार्रवाई कब तक? अगली कार्रवाई मौका है कि हो सकता है कल हो जाए, वरना ये कार्रवाई मंडे में होगी। ठीक है जी, धन्यवाद। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। खबर सीहोर से जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने हिंदू मुस्लिम की आबादी को लेकर बड़ा बयान दिया है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि सनातन धर्म के लोगों को वंश वृद्धि करना चाहिए ताकि राष्ट्र भी सुरक्षित रहे और सनातनी भी हिंदुओं को घटती आबादी सनातन के लिए चिंता का विषय है। देश की मजबूती के लिए हिंदुओं की आबादी में वृद्धि जरूरी है। कांग्रेस द्वारा आदर्श आचार उल्लंघन की शिकायत पर कहा कि ये मुद्दा नहीं है, व्यास गद्दी पर बैठकर किसी भी पार्टी के पक्ष पक्ष में हम बात नहीं कर सकते। सर्वे आया जिसमें ये बताया गया है कि देश के अंदर हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो कम हो रही है और मुस्लिमों की बढ़ रही है, तो ये क्या चिंता का विषय है सनातन धर्म के हिसाब से? देखिए, सनातन धर्म के हिसाब से चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि हमारे जो सनातनीय हिंदू भाई हैं वो लेकर बैठे हुए हैं कि घर में एक ही बच्चा होना चाहिए, पर हमारा तो कहना है कि वंश को बढ़ाइए किसी भी क्रम में, अगर वंश बढ़ता है तो आने वाले समय में आपको भी तकलीफ नहीं होगी, राष्ट्र को भी तकलीफ नहीं होगी। तो जो ये सोच कर बैठे हैं कि अपने को धीरे 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 सनातन धर्म नीचा होता जा रहा है या लोग कम होते जा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। जनसंख्या की वृद्धि भी थोड़ी होना चाहिए, सनातन धर्म को मजबूत करने में वो भी एक कार्य करें। भारत कांग्रेस समय आचार संहिता उल्लंघन की एक बात कर रही है आपको लेकर। देखिए, ये हमारा मुद्दा नहीं है और ना हमारा कोई क्रम है, क्योंकि हम लोग व्यासपीठ से ऐसी कोई भी पार्टी का कभी पक्ष विपक्ष में बात ही नहीं करते, हम तो सनातन की बात करते हैं, सनातन के लिए ही जीते हैं। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। खबर संतकबीर नगर से जहां लोकसभा चुनाव निर्वाचन में 25 मई को क्षेत्र के प्रबुद्ध वर्ग में मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करते हुए लोग नजर आए। संगठन में संजीत यादव, अमरजीत यादव, अमित सिंह बघेल, चूड़िया महल से रामू तिवारी, ओम प्रकाश तिवारी भी मतदाताओं को जागरूक करते दिखे। इसी क्रम में बखिरा, लेडवा, महुआ, हरदी, नौरो, भगवानपुर, कुसूरू, प्रधान रामापुर समेत कई लोग मौजूद रहे। सबसे पहले मतदान कोई मतदाता चुप नहीं ले पाए, पहले हम लोग जाके मतदान किए हैं, उसके बाद आए हैं, चाय पिए हैं, सब कुछ किए हैं और देश में रात क्षेत्र में मतदान सर्वोपरि है, सबको जाके मतदान करना चाहिए। हमारा नाम रामू त्रिपाठी है, ग्राम पूर्णिया में जिला सुनिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी अभी मतदानकर्ता बचे हैं या जितने वोट देने सभी बचे हैं, वो अब संविधान बचाने के लिए वोट करें और रोजगार पाने के लिए वोट करें, नौकरी पाने के लिए वोट करें और महंगाई कम करने के लिए वोट करें, यही हमारा कहना है। क्या नाम है आपका? अमरजीत। उसके बाद जलपान किया गया, करना चाहते हैं पहले मतदान फिर जलपान। आप लोग पहले वोट डाल के आए और अपने देश के लिए अपना जो अमूल वोट है वो सभी लोग अपने जिम्मेदारी से दें। हमारा निवेदन है, आग्रह है, पहले मतदान करें फिर जलपान करें, ये
लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और इसमें सभी लोग अपने मतों का प्रयोग करें, सबका अधिकार है। 5 साल पे एक बार ये अवसर आता है, बाकी तो सब लोग अपना जैसे भी होता है करते रहते हैं, लेकिन मतदान करना बहुत ज़रूरी है देश हित में, लोकतंत्र को बचाने के लिए सारे लोग मतदान करें। कटाई में ना कभी कोई दिक्कत हुई है ना होगी, मतदान बड़े शांतिपूर्वक हुआ है और सुचारू ढंग से हुआ। क्या नाम है आपका? शिवशंकर चौरसिया। पहले मतदान फिर जलपान। संत कबीर नगर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।